अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के इनविटेशन पर अगले महीने जून में अमेरिका जा रहे हैं। एंड ये बहुत ही हिस्टोरिकल विजिट मानी जा रही थी, क्योंकि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो स्टेट डिनर होस्ट कर रहा था उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी दोनों ही होस्ट थे। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर यूएस कांग्रेस के सेशन को भी संबोधित करने वाले थे। और खास बात ये थी कि ये पिछले 11 साल में भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूएस स्टेट विजिट थी। लास्ट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2009 में बराक ओबामा के इनविटेशन पर यूएस स्टेट विजिट के ऊपर गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी साल 2014 के बाद 7 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। वहां पर जाकर कई सारे यूएस प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने गए थे या फिर क्वाड समिट के लिए, और उसी की साइडलाइंस पर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वहां पर बायलेटरल मीटिंग्स किया करते थे। आपको याद होगा साल 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जाकर हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट के ऊपर नहीं गए थे। तब भी प्रधानमंत्री मोदी यूएन जनरल असेंबली के 74th सेशन को अटेंड करने के लिए अमेरिका गए थे। लेकिन अगले महीने जून 21 से 24 के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका की विजिट होनी है, उस दौरान वो यूएन का कोई कार्यक्रम अटेंड करने नहीं जाएंगे, बल्कि अमेरिका की ऑफिशियल स्टेट विजिट के ऊपर जा रहे हैं। इसलिए ये विजिट बहुत ही हिस्टोरिकल मानी जा रही है। अमेरिका और भारत के बीच अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों देश पीएम मोदी की अमेरिका विजिट की तैयारियां कर रहे थे, एजेंडा सेट किया जा रहा था, और दोनों देश टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, रिसर्च, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी और हेल्थ केयर के मुद्दे के ऊपर कई सारे एग्रीमेंट भी साइन करने वाले थे। लेकिन अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से ठीक एक महीने पहले फिर से मोदी सरकार को ही टारगेट कर दिया है। अमेरिका के अंदर गन कल्चर के चलते हर दिन वहां पर कई मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। बच्चे स्कूल्स के अंदर भी सेफ नहीं हैं। और अभी ये वीडियो बनाते बनाते भी यूएस के न्यू मैक्सिको से एक शूटिंग इंसिडेंट की एक न्यूज आई थी कि एक 18 साल के व्यक्ति ने 3 लोगों की जान ले ली है और 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर कई लोगों को घायल कर दिया है। कहने का मतलब है कि अमेरिका में ये हर रोज का है, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को दखल देनी है भारत के अंदर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिपोर्ट के ऊपर मोदी सरकार से कहा है कि भारत के अंदर जो रिलीजियस वायलेंस हो रही है उसके ऊपर मोदी सरकार काम करे और इस तरह की घटनाओं की निंदा करे। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के ऊपर हमले लगातार तेज हो गए हैं। इसके ऊपर सीनियर यूएस ऑफिशियल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ जो वायलेंस यानी उनके साथ जो हिंसा हो रही है उससे वो काफी दुखी हैं, और भारत सरकार से इस तरह की घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जबरदस्ती घर तोड़े जा रहे हैं। गुजरात का हवाला देते हुए कहा गया है कि पुलिस सड़कों के ऊपर उन्हें सबके सामने मारती पीटती है। अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि वो भारत के अंदर इस तरह की घटनाओं को कवर करने वाले हिंदी पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के साथ लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि मोदी सरकार इस तरह की रिलीजियस वायलेंस की निंदा करे। आप खुद ही सोचिए कि ये 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 2-4 आइसोलेटेड केसेस के ऊपर मोदी सरकार की छवि कोई पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम या फिर एंटी क्रिश्चियन बना देते हैं, जबकि इनके अपने खुद के देश अमेरिका में गन कल्चर के कारण डेली कितनी सारी हत्याएं हो रही हैं, वहां पर रोज रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं, रेसिज्म कितना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए कभी भी चिंतित नहीं होते हैं। इनको चिंता होती है तो भारत की। खैर, क्या भारत सरकार को भी अमेरिका के अंदर बढ़ रहे गन कल्चर के ऊपर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।